मध्य प्रदेश में डीजल पेट्रोल के बाद अब उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका लगा है। मध्य प्रदेश नियामक आयोग ने बिजली की दरों में 2.64% की बढ़ोतरी करने का आदेश जारी कर दिया है। नई दरें 8 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। महंगी बिजली का सबसे अधिक भार घरेलू उपभोक्ताओं पर डाला गया है। हालांकि औद्योगिक बिजली की दरें भी बढ़ाई गई है। मध्य प्रदेश नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए गुरुवार को बिजली की नई दरें जारी कर दी है। प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों ने नए वित्तीय वर्ष के लिए कुल 48,874 करोड़ रुपए की आवश्यकता बताई थी। मौजूदा हालात में इस दर पर 3,916 रुपए का अंतर आ रहा था। इसकी भरपाई के लिए बिजली कंपनियों ने 8.71% की बढ़ोतरी की याचिका लगाई थी। इसके अलावा कंपनियों की ओर से वित्तीय वर्ष के लिए नई दरें लागू कर दी गई है। तो सबसे अधिक भार जो है वो भुगतान को दिया गया है। खपत यूनिट में आपको दिखा रहे हैं, 50 यूनिट में 292 रुपए, अब नई दर जो है 301 रुपए हो गई, यानी 3.2 की बढ़ोतरी यहां पर हुई है। उसके अलावा 100 यूनिट की अगर बात करें तो 616 रुपए बढ़ गए हैं और नई दर पर बिल आएगा 639 रुपए, यानी कि 3.7% इजाफा किया गया है। 200 यूनिट की बात करें तो 1,494 रुपए का इजाफा यहां पर किया गया है। 1,545 रुपए चुकाना होगा और 3.5% का इजाफा यहां पर हुआ है। 300 यूनिट की अगर हम बात करें तो 2,367 रुपए का इजाफा, उसके अलावा 2,441 रुपए चुकाने होंगे और 3.2% की बढ़ोतरी यहां पर की गई है। यानी जैसे जैसे यूनिट जो है उसके मुताबिक उसमें इजाफा किया गया है।